सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में चौक लखनऊ में एक दिवसीय उपवास के क्रम का आज पांचवा दिन है और आज का विषय है शिक्षा। तो शिक्षा पे जो है हम लोगों की जो सबसे बड़ी लड़ाई है उत्तर प्रदेश के अंदर वो ये है कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का 2015 का जो फैसला है, यानी कि सरकारी तनख्वाह पाने वाले सभी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, उसको लागू करने के लिए हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी। दो अनशन हो चुके हैं, दोनों मुख्यमंत्रियों से बात हुई लेकिन उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार उस फैसले को लागू नहीं कर रही है। जो हम लोग का मानना है कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है और सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। नए स्कूल खोलने का निर्णय सरकार ने लगाई है क्योंकि सरकार का कहना है कि बच्चों की संख्या कम हो रही है। ये बड़ी विचित्र बात है क्योंकि कहीं स्कूल की जरूरत होती है और अगर अधिकारियों से कहा जाए तो वो कहते हैं कि नए स्कूल बनाने पर रोक है। तो जो गरीब का बच्चा है हिंदुस्तान में वो आखिर कैसे पढ़ेगा, क्योंकि सब लोग उतनी महंगी फीसें नहीं दे सकते जो प्राइवेट स्कूलों में लगती हैं। प्राइवेट स्कूलों का हाल ये है कि वो मनमानी करते हैं। वो अभी आप कोरोना के दौर में देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं उनको ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं किया जा रहा है। अब जो महंगे स्कूलों हैं उसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत, यानी कि 25% जो मुफ्त शिक्षा के लिए जो स्थान आरक्षित हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों के लिए, वो बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और अगर है भी परिवार में एक दो, तो जो परिवार के जो प्रमुख हैं, जो बच्चों के पिताजी हैं या बड़े भाई हैं, वो उसको काम पे ले जाते हैं अपने साथ। तो बच्चे के पास दिन में मोबाइल फोन रहता ही नहीं है जिस समय उसकी क्लास होती है। तो ज्यादातर जो गरीब बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग की मांग है कि पिछली सरकार ने बच्चों को लैपटॉप दिया था, बड़े बच्चों को दिया था, लेकिन इस सरकार से हमारी मांग है कि जब तक स्कूल नहीं खुले हैं और ऐसा लग रहा है कि इस सत्र में स्कूल नहीं खुलेंगे, तो कम से कम आप सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और जिन बच्चों का एडमिशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत हुआ है, यानी कि जिनका चयन मुफ्त शिक्षा के लिए हुआ है निजी स्कूलों में, उन बच्चों को आप ऐसे मोबाइल फोन उपलब्ध कराएं जिससे कम से कम वो अपनी कक्षाएं कर सकें। नई शिक्षा नीति देश में आई है लेकिन उसमें नया क्या है ये मालूम नहीं। कह रहे हैं मातृभाषा में शिक्षा देंगे। भाई, मातृभाषा में शिक्षा तो देने की बात हर एक शिक्षाविद करता है, आज से नहीं कर रहा है, बहुत पहले से करता आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब इस देश में IAS की परीक्षा देना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी है, इंजीनियर डॉक्टर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी है, किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी है। तो जब अंग्रेजी पे इतना जोर है और इतना जोर है कि ये हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जो वैसे तो भारतीय संस्कृति की वकालत करते हैं, तो कायदे से तो इनको संस्कृत माध्यम के स्कूल खोलने चाहिए, लेकिन इन्होंने 5,000 सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से कर दिया क्योंकि जनता का दबाव है, लोग चाहते हैं, गरीब परिवार के लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी सीखें। तो ये बात जो है ये बेमानी है कि आप जो है मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात करें और दूसरी तरफ आप अपने स्कूलों को ही अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बना दें, या फिर निजी स्कूलों पे तो आपका कोई अंकुश है नहीं, वो तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करेंगे। इसी तरह से 3 भाषा फॉर्मूला की बात है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को 3 भाषाएं आनी चाहिए, पर आप बताइए कि उत्तर भारत में कौन सा बच्चा 3 भाषाएं जानता है? बड़ी मुश्किल से वो हिंदी जानता है,
वो अंग्रेजी सीख जाए, और तीसरी तो कोई भाषा आती ही नहीं, तो तीन भाषा वाला फॉर्मूला कहाँ लागू हुआ। वैसे औपचारिक रूप से तो सिर्फ तमिलनाडु इसका विरोध करता है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी, खास करके हिंदी क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में तो कम से कम बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा हिंदी सीख जाते हैं। कोई मराठी बोलने वाला बच्चा है, बंगाली बोलने वाला बच्चा है, तो वो तो थोड़ी बहुत हिंदी सीख जाता है, तो वहां कह सकते हैं कि भाई वो अपनी मातृभाषा अंग्रेजी और हिंदी सीख रहा है, तीन भाषाएं। लेकिन यहाँ तो कोई सीख नहीं रहा है सिवाय नवोदय विद्यालय के। कुछ स्कूलों में संस्कृत को बता देते हैं कि ये तीसरी भाषा है, लेकिन संस्कृत का उपयोग कहाँ है भाई? कोई संस्कृत आम बोलचाल की भाषा तो है नहीं, तो औपचारिकता पूरी होती है। तो इसलिए तीन भाषा के फॉर्मूले को भी अगर लागू करना है तो उसे गंभीरता से लागू करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप देश की कोई दूसरी भाषा सिखाइए बच्चों को, और कुछ नहीं है तो कम से कम उर्दू सिखाइए, उर्दू का कम से कम इस्तेमाल तो है उत्तर भारत में। तो ये जितनी बातें ये नई शिक्षा नीति में आई हैं वो भी सिर्फ आदर्श की बातें हैं। सरकार का कोई ऐसा लगता नहीं कि उनकी कोई इच्छा शक्ति है उनको लागू करने की, बल्कि होने ये वाला है कि सरकार जब शिक्षा को नज़रअंदाज करेगी तो निजीकरण बढ़ेगा तेजी से। उच्च शिक्षा के लिए तो उसने कही दिया है कि 100 दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उनको वो यहाँ आमंत्रित करेगी अपने परिसर खोलने के लिए। तो ये जो है शिक्षा नीति में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि कोई भरोसा ऐसा मिले कि इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, बल्कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह की बात हो रही है तो उससे खतरा ये है कि कुछ बच्चों को जिनकी रुचि काम वाम सीखने में होगी उनसे कहा जाएगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ काम ही सीखिए। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना नीति है, क्योंकि इस देश में एक जाति व्यवस्था लागू है जिसमें बहुत सारी जातियां ऐसे हैं जिनके अपने कुछ पारंपरिक काम हैं, तो उनको अगर पढ़ने लिखने की सुविधा ठीक से नहीं मिलेगी और उनके उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी गति के हिसाब से अगर शिक्षा का उनको मौका नहीं मिलेगा तो वो अच्छी शिक्षा और खास करके उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो हमारी सरकार शिक्षा के बारे में बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, वो उसको नज़रअंदाज कर रही है, निजी क्षेत्र के हाथों में छोड़ रही है, और जो बच्चों की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत जो माता पिता को 5,000 रुपये मिलने चाहिए पोशाक और किताब खरीदने के, वो अभी पिछले साल के भी नहीं, इस साल की तो बात ही छोड़ दो। कई बच्चे ऐसे हैं कि 2-3 साल तक के नहीं, तो माता पिता कहते हैं कि भाई वो पैसा मिल जाता तो हम मोबाइल फ़ोन ही खरीद लेते ताकि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास कर लेते। तो ये बातें हैं, इसको लेके आज का दिन हमने शिक्षा के लिए रखा है और लगातार यहाँ पे अभिभावकों के धरना प्रदर्शन मतलब होते रहते हैं, लेकिन सरकार से हमको कोई उम्मीद दिखाई पड़ती नहीं। ठीक है भाई, खत्म करते हैं।